गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं बनाऊंगी बिरयानी। तो ये मेरी बिरयानी है। कैसी लग रही है आपको? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा वीडियो पूरा देखना। देखने के बाद में अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना और कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। देखो बिल्कुल अलग अलग बनी है, पूरे राइस अलग अलग है बिल्कुल। मैंने क्या क्या डाला है वीडियो में पूरा बताया है मैंने, तो आप पूरे पूरे वीडियो को देखना। मेरी तरीके से फिर बिरयानी बनाना आप भी। बिरयानी बनाने के लिए मैं मंगोड़ी ली है सोयाबीन की, इनको 5 मिनट भिगो दूंगी। उसके बाद मैं निचोड़ के और निकाल लूँगी। ये गरम मसाला लिया है, तेज पत्ता है, ये चकरी है, ये है, ये लौंग है 2-3 और काली मिर्च है। ज़्यादा गरम मसाला नहीं लिया है। और मैं क्या क्या वेजिटेबल लूँगी वो आपको बता दें। इसमें लहसुन लिया है, अदरक लिया है, अदरक को छील के दोनों को पेस्ट बना लूँगी भी कूट के। 2 हरी मिर्च ली है, प्याज लिया है, हरा धनिया लिया है, आलू, 1 आलू और कैरेट, इनको भी काट लूँगी मैं। फिर बीन्स है और पुदीना। अब इन सबकी मैं तैयारी कर लेती हूँ। तब तक मैंने बिरयानी राइस पानी में भिगो दिया 20 मिनट के लिए और सोया भिगो दिया है। लिया है मैंने बिरयानी जीरा, बिरयानी का जीरा है। बीन्स मैंने काट लिए, इधर कैरेट कट कर ली, ज़्यादा बारीक नहीं कट करा है क्योंकि कुकर में बनाना है इसलिए। इधर प्याज कट कर लिया और जो लंबी साइज में कट किया है मैंने, ये ज़्यादा बारीक नहीं कट करते। इधर मिर्ची कट कर लिए और आलू मैंने कट कर लिए। और ये बिरयानी चावल है जो मैंने 20 मिनट से पानी भिगो रखे थे। अब मैं बनाऊंगी। अब कुकर में तेल लेती हूँ। सबसे पहले प्याजों को ब्राउन कलर का फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं वापस तेल लेके फिर वापस फ्राई करूँगी। अभी ज़्यादा ब्राउन करना प्याज फ्राई, बाद में थोड़ा ही प्याज रखना है, वो सब्जी के जैसे ही तड़ने हैं। मैंने कुकर ले लिया, अब मैं इसमें अभी छोटे 2 स्पून तेल डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि प्याज ब्राउन कलर का फ्राई करना है इसमें। बाद में वापस तेल डाल दी। मैंने ज़्यादा तेल लिया है, वापस इसमें मसाला फ्राई करूंगी। अभी जो भी मैंने आपको पहले बताए थे कैरेट आलू वगैरह, तेल हो गया गरम। सबसे पहले मैं डालूंगी गरम मसाला। गरम मसाले में मैं डालूंगी बिरयानी जीरा। सबसे पहले सभी मसाले को एक साथ डाल देती हूँ। मैं वापस दूसरे प्याज डालूंगी। प्याज डाल दिए, इनको मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूंगी ब्राउन कलर, इनको थोड़ा ही फ्राई करूंगी। मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। आलू ग्रीन मिर्ची भी डाल दी इसमें, ग्रीन रेड मिर्च नहीं डालते इसमें। कैरेट और बीन्स, इन सबको मैं थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। वैसे कुकर में बना रहे थे, एक सीटी में ये भी सीख जाएंगे साथ में, लेकिन मैं तेल में थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। स्वाद अनुसार नमक,
ये सोयाबीन की मिंगोड़ी, खूब सारा फुदीना, फुदीना में साथ में डाल देती हूँ। फुदीने से ही बिरयानी की खुशबू अच्छी आती है और अच्छी टेस्ट भी अच्छा लगता है इसके। फुदीना और गरम मसाले के बिना बिरयानी अच्छी नहीं लगती। और ये डाल रही हूँ मैं बिरयानी मसाला, ये बिरयानी मसाला है। और अब मैं डालूंगी बिरयानी चावल। मैंने राइस डाल दिए बिरयानी के और इनके ऊपर जो प्याज फ्राई किए थे वो डाल दिए। अब मैं इसके ऊपर फिर फुदीने की पत्ती रखूँगी। फिर से रख रही हूँ फुदीना। दो कटोरी पानी डालूँगी, एक कटोरी राइस था। ये दो कटोरी पानी हो गए। मैं गैस को मीडियम रखूंगी। मैंने कुकर बंद कर दिया है, अभी हाई आँच है, बाद में लो कर दूंगी। दो सीटी हो गई, मैं दो ही सीटी लगवाई थी कुकर से। मैं ओपन करती हूँ ढक्कन को, देखती हूँ कैसे बने बिरयानी। तो मेरी बिरयानी बनके तैयार हो गई, आप देखो कितनी अच्छी लग रही है। पूरे राइस अलग अलग दिख रहे हैं, ये देखो बिरयानी की राइस। मेरी बिरयानी बन के तैयार और मैंने निकाल ली है और पूरी अलग अलग है, बिल्कुल खेर खेर हो रहा है, एकदम राइस अलग अलग दिख रहे हैं। अच्छी लगी तो बताना कमेंट्स करके कैसी लगी है।